कैसे हो? ठीक हो? इसके नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ा चुका था कि भूकंप का परिभाषा, भूकंप की वर्गीकरण, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको दे चुके थे। आज वाला क्लास में आपके सामने मैं लेकर आया हूँ भूकंप जो होता है हमारे पृथ्वी भूपटल के अंदर प्लेटों से बना हुआ है। तो हम प्लेटों की परिसीमाओं को लेकर आए हमारे पृथ्वी के अंदर भूपटल के अंदर प्लेटों की परिसीमाएं कितने हैं। तो पहला है अभिसारी परिसीमाएं, ठीक है। तो अभिसारी परिसीमाएं, अभिसारी परिसीमाएं होती है जो प्लेटें होते हैं वह प्लेटें एक दूसरे को धक्का देते हैं और कुछ जो प्लेटें होते हैं वह ऊपर नीचे भी उठ सकते हैं, जो कि आपको टीएलएम के माध्यम से चित्र के माध्यम से पता रहा है। यानी कि यहाँ से प्लेटें एक दूसरे को धक्का देते हैं और प्लेटें ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। ये अभिपरिसीमाएं हिमालय पर्वत के क्षेत्र में जो भूकंप होते हैं ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है अपसारी परिसीमाएं। अपसारी परिसीमाएं में क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती है वह प्लेटें एक दूसरे को दूर भेजती है, धक्का दे करके अलग करती है। तो चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, ये हमारे इसके जो रिक्त घाटी है इसके उदाहरण है। तीसरा है रूपांतरित परिसीमाएं। रूपांतरित परिसीमाएं जो प्लेटें होती है वह तिरछे आगे चलती है, यानी कि ऊपर नीचे भिसकते रहती है, यानी कि अभ्रंश होकर के गिरती है। ये रूपांतरित परिसीमाएं जो कि अटलांटिक और उत्तरी अमेरिका में इसकी उदाहरण मिलती है। तो हम लोग प्लेटों की परिसीमाओं के बारे में जानते हैं, हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट की परिसीमाएं बनती है वो कैसे होती है और काम कैसे करती है। उसके बाद हम आते हैं कि भूकंपीय तरंग। जब भूकंप होता है तो हमने इसकी परिभाषा बताया कि तरंगे निकलती है, तरंगे वह चारों फैल जाती है। तो उसमें हमारा जो भूकंपीय तरंग जिसको हम पी एस और एल तरंगे के नाम से भी जानते हैं, तो आपको ये ज्ञान मिल पा रहा है। और अब हमारे पी तरंगे क्या है, पी तरंगे को हम लोग प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं ना, प्राथमिक तरंगे कहते हैं, जो कि वह उसी जो तरंगे पूरी धरातल पर तेजी से फैलती है। उसके बाद हम आते हैं एस तरंगे। एस तरंगे पी तरंगे के बाद आती है, इसलिए एस तरंगे को हम लोग द्वितीय तरंगे भी कहते हैं। ये पृथ्वी को सीध ले जाती है। उसके बाद हम आते हैं एल तरंगे। एल तरंगे को लॉन्ग तरंगे भी कहते हैं, लॉन्ग वेव्स कहते हैं, लंबी तरंगे कहते हैं। यह उड़ता है पृथ्वी की सतह पर चलती है। इस तरंगे से बहुत ज्यादा भूकंप होता है जिससे बहुत क्षति होती है, जिसको हम चित्र के माध्यम से भी दिखाएं, आप ये देख रहे हैं। तो हम लोग जान गए कि पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है और एल तरंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर प्लेटों की परिसीमाओं में या भूकंपीय तरंगों में किसी भी प्रकार के समझने में कठिनाई है तो बताइए, कोई जवाब, कोई क्वेश्चन आपके पास है जो आप नहीं समझे, ठीक है। ओके, तो आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।